नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में विधायक फंड से 18 सिलेंडर्स बुजुर्ग माताओं द्वारा कराया गया। विधायक निधि से 18 सिलेंडर्स रविवार 3 फरवरी को कराया गया। रविवार को सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह ढोल नगाड़े बजते रहे। पूर्व विधायक अमित महतो का स्वागत ढोल नगाड़ों से किया गया। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 3 फरवरी 2019 को एक साथ 20 सिलेंडर्स। सिल्ली विधानसभा विधायक फंड से 18 सिलेंडर्स। ढोल नगाड़े बजाकर ग्रामीणों ने सीमा देवी अमित महतो जिंदाबाद के नारे लगाए। पूर्व विधायक अमित महतो और विधायक सीमा देवी ने बुजुर्ग माताओं को बुके देकर और शिलापट में नाम देकर सम्मान किया। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में एक साथ 20 सिलेंडर्स। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 19 पीसीसी पथों का सिलेंडर्स। ग्रामीणों ने विधायक सीमा देवी और पूर्व विधायक अमित महतो को धन्यवाद दिए। हर सिलेंडर्स में काफी संख्या में महिला पुरुष बच्चे उपस्थित थे। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखा गया। रविवार को दिन भर चलता रहा सिलेंडर्स करने का सिलसिला। बुजुर्ग माताओं के नाती पोते ने शिलापट में बुजुर्ग का नाम देख आंखें की नम। बुजुर्ग माताओं ने नारियल फोड़ के शिलान्यास किया। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह का माहौल। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बुजुर्ग माताओं के नाम होते हैं शिलापट में, बुजुर्ग माता ही करती है शिलान्यास। सिल्ली विधानसभा के विधायक सीमा देवी, पूर्व विधायक अमित महतो ने बुजुर्गों को दिया सम्मान। शिलान्यास में भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद दिखे। रविवार के दिन सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में दिन भर ढोल नगाड़े बजते रहे। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में के जंगल में जहां बरसों से पीसीसी रोड नहीं था, उस जगह पीसीसी का शिलान्यास किया गया। एक दिन में 20 शिलान्यास। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों में उत्साह का माहौल। सिल्ली विधानसभा में विधायक सीमा देवी की उपस्थिति में बुजुर्ग माताओं से करवाया जाता है शिलान्यास। Yeah.
हाँ, हम लोग लोहातू सिल्ली विधानसभा से जो हम लोग का जो सीमा महतो जी हम लोग सिल्ली विधानसभा का जो विधायिका है जो पीजीसी बना रहा है, हम लोग सिल्ली विधानसभा में लोहातू पंचायत में लोहातू गांव में जो विधान जो पीजीसी बना रही है, ठीक ना, तो इसमें जो बना रही है तो हम लोग सबसे पहले तो यही हम बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम पूरे पंचायत का सबसे पहले विकास होगा। सबसे पहले लोहातू पंचायत में जितना भी हम लोग गांव का आदमी है, गांव का अड़स पड़ोस का जितना भी आदमी है, जितना भी हम लोग अड़स पड़ोस का जितना भी माँ बहन है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया फीलिंग हो रहा है हमको, कहीं सबको हमको हम लोग को सुविधा मिल रही है, हम लोग का रास्ता बनाते हैं, सबको हम लोग आने जाने में सुविधा होगा, चलने में हम लोग में विधायक रहे, जनता का जो भी सेवा करेगा वही हम लोग सबसे बड़ा सबसे बेस्ट नेता रहेगा। ये प्रोग्राम देखे जितना जल्दी से हो सके आगे बढ़ा ले बेहतर ही, कहे कि आरो बहुत हर व्यक्ति के धन्यवाद और अगर दे चाहिए कि आज और एक और आवाज तक आज विधानसभा से लेके आज रोड बने पाने काम आए, रेशन बनना चाहे कि वर्षों तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठेकेदार को और हमारे को और तमाम गाँव वालों को ध्यान रखे। गण्यमान्य सज्जन सब उपस्थित यहाँ हमारे को बीच प्रेस और मीडिया को साथी सब सभी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद दी हमें ऐसा मौका माने तोरे हमारे को संगे आइया ऐसा रात्रि बेला उपस्थित आइया इटा बहुत दिन को हमारे को चाहत रहे कहब तो चाहत रह हमारे को इटा इच्छा रहे कि हमारे को कार्यकाल माने ये रोड तक और शिलान्यास है और रोड तक बेस रूप माने बनोग का। लेकिन खैर आज तोहरे जाके प्रतिनिधि बना ला यहाँ हमारे समय माने तो नहीं, लेकिन आज तोहरे जाके प्रतिनिधि नियुक्त कर ला यहाँ क्षेत्र को जिम्मे होकर अनुशंसा कर आधार माने फिरिंग चौली रोड को शिलान्यास हेले और रोड का भली भांति बनतन इटा मोर आशा है इच्छा है। मैं यहाँ कर तोर प्रतिनिधि सीमा महतो जी के बहुत बहुत धन्यवाद जानना और ओकर प्रति आभार प्रकट करना और मोर इटा चाहत है जैसा हमारे को पंचायत समिति ने कही रह रोड बेस के बनना चाहिए, निश्चित तौर पर रोड हमारे को यहाँ निर्माण होगा लेकिन बेस बनना चाहिए ताकि ये रोड हमारे को वर्षों वर्षों तक हमारे को फिक्र हो। सिंहपुर नर्सिंग होम, जी हाँ सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में अवेलेबल है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में 700 से अधिक मरीजों ने आयुष्मान का लाभ लिया है। दूर दूर से आते हैं मरीज सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में, तो आप भी आयुष्मान का लाभ उठाएं सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में। सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में सभी प्रकार के इलाज किया जाता है। सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा इलाज किया जाता है, वो भी रांची के डॉक्टर आते हैं रोज मरीजों के इलाज के लिए। और साथ ही साथ अब तक 700 से अधिक मरीजों का सफल ऑपरेशन भी किया गया है आयुष्मान के द्वारा सिंहपुर नर्सिंग होम में। रामगढ़, गोला, बोकारो, धनबाद,
चास, जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा, बुंडू तमाड़, राहे, सुनहातू, बंता, अनगढ़ा और बंगाल के भी मरीज आयुष्मान का लाभ ले चुके हैं। सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में तो आप भी आयुष्मान का लाभ लेने जरूर आए। सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में ध्यान रहे, आयुष्मान का लाभ सिर्फ राशन कार्ड धारियों के लिए उपलब्ध है। तो जब भी आप आए सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में आयुष्मान का लाभ लेने, तो अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लाना ना भूले। 24 घंटे मरीजों का इलाज किया जाता है सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में। सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में सभी तरह के फैसिलिटी उपलब्ध है, जैसे सीटी स्कैन, इको, ऑक्सीजन, ईसीजी, पल्स ऑक्सीमीटर, पैथोलॉजी, नेबुलाइजर, बेड केबिन, सक्शन मशीन, फोटोथेरेपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, इम्यूनाइजेशन, ऑपरेशन मेजर एंड माइनर, और साथ ही साथ एम्बुलेंस की सेवा 2400 घंटे, सी आर्म, पीडियाट्रिक फैसिलिटी और कैंटीन की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो आए आयुष्मान का लाभ लेने हमारे हॉस्पिटल सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में। अब तक 700 से अधिक मरीजों ने सिंहपुर नर्सिंग होम में आयुष्मान का लाभ उठाया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।